हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इंडियन रेलवे में डिफरेंट टाइप के लोकोमोटिव जो है इसमें डिफरेंट टाइप के करंट रेटिंग यूज किए जाते हैं, जिससे कि याद करना मुश्किल होता है और याद भी रहे तो उसे यूज करना भी बकवास मालूम होता है, क्योंकि कुछ शेयर द्वारा रेलवे में ऐसे रूल डाल दिए गए हैं जिसे यूज किया जाए तो गाड़ी चलाना तो मुश्किल है। कैसे इसके बारे में भी मालूम करेंगे और हमें प्रैक्टिकल में क्या यूज करना चाहिए, कैसे करंट रेटिंग के द्वारा हमें काम करना चाहिए ताकि WAG5 लोको, WAP4 लोको या WAG7 लोको में बिना QRS ड्रॉप हुए या Q20 एनर्जाइज हुए हम आसानी से गाड़ी ड्राइव कर सके और किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो और ना ही डीजे ट्रिप हो। डिफरेंट टाइप के करंट रेटिंग और डिफरेंट लोको के बारे में हम मालूम करेंगे, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक अवश्य देखें, ताकि इसमें हम एक ऐसा ट्रिक भी बताने वाले हैं ताकि ना किसी करंट रेटिंग याद किए आप आसानी से गाड़ी काम कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल कुशवाहा जी रेलवे को सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो के लिए। तो आइए वीडियो को देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए पहले रेलवे द्वारा दिया हुआ करंट रेटिंग और वोल्टेज मालूम कर लेते हैं। यदि WAP1 लोको है तो इसमें टाव मोटर यूज किया जाता है तो इसमें करंट रेटिंग कितना होगा, तो स्टार्टिंग करंट 2 मिनट के लिए 1100 और 10 मिनट के लिए 1000 होगा, और वहीं 60 मिनट तक आप 840 ले सकते हैं करंट, और वहीं वोल्टेज की बात करें तो 700 और कंटिन्यूस करंट 150 यूज कर सकते हैं। अगर वहीं WAG5 लोको है तो इसमें भी अगर टाव मोटर है तो सेम रहेगा, 1100, 1000 10 मिनट के लिए और 60 मिनट के लिए 840 और वोल्टेज 700 कंटिन्यूस में 750 यूज कर सकते हैं। अगर वही WAG5H हो लोको, इसमें की हिटाची मोटर यूज किया जाता है तो इसका करंट अलग हो जाता है, 2 मिनट के लिए 1200, 10 मिनट के लिए 1100 और 60 मिनट के लिए 840 और मैक्सिमम वोल्टेज 750, कंटिन्यूस में भी 750 करंट यूज कर सकते हैं। अगर WAP4 लोको है तो इसमें हिटाची मोटर यूज किया जाता है तो इसका करंट 1250 रहता है 2 मिनट के लिए, और 10 मिनट के लिए 1150 यूज कर सकते हैं और 60 मिनट के लिए 960 करंट दे सकते हैं, और वहीं वोल्टेज की बात करें तो 750 मैक्सिमम वोल्टेज और कंटिन्यूस में भी आप 750 करंट कर सकते हैं। और वही WAG7 लोको है तो इसका इसमें भी हिटाची मोटर रहता है जिसे हम 2 मिनट के लिए 1300 करंट दे सकते हैं और 10 मिनट के लिए 1100 और 60 मिनट के लिए 960 करंट दे सकते हैं, और मैक्सिमम वोल्टेज का बात करें तो 750 और कंटिन्यूस करंट 750। अब ये जो करंट की बात करें तो ये डिफरेंट लोको का, तो ये देखिए स्टार्टिंग करंट यानी कि स्टार्टिंग में ही यदि WAP1 लोको है तो 2 मिनट के लिए 1100 दे सकते हैं, WAG5 लोको 1100 और WAG5H है तो 1200 और WAP4 है तो 1250 और WAG7 है तो 1300। लेकिन स्टार्टिंग टाइम में वैसा ज़रूरत नहीं है तो हमें जब सेक्शन में ज़रूरत है तो ये 2 मिनट 10 मिनट इसको नहीं यूज कर सकते हैं, तो इसका फायदा क्या है, इसलिए तो ये बकवास है। यानी कि स्टार्टिंग में ही इतना करंट दे सकते हैं, बीच में रनिंग में अगर आपको ज़रूरत पड़ा, ग्रेडियंट है, उस समय में इस करंट को यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये मैक्सिमम परमिसिव जो भी करंट है इसको यूज ही नहीं कर सकते हैं, तो इसके हिसाब से तो ये बकवास रूल है। डिफरेंट टाइप के ये डिफरेंट करंट जो है आपके माइंड में भी याद नहीं होगा, आपको याद भी नहीं रहेगा, और याद भी रहे तो इसे यूज करने से भी प्रॉब्लम है और इसको यूज करके भी आप गाड़ी को चला नहीं पाएंगे। तो इसके बारे में हम एक ही बात बोलेंगे कि यदि कोई भी लोको हो, एक ही माइंड में ट्रिक रखना है, 1000 करंट हम
दे सकते हैं, यानी कि WIG5 लोको हो, WIG7 लोको हो या WIP4 लोको है, कोई भी लोको है 1000 तक आप करंट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, QRS भी एक्ट नहीं होगा और DJ भी ट्रिप नहीं होगा, आप आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के आप ग्रेडियंट को भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। वोल्टेज की बात करें तो 750 आप यूज कर सकते हैं, 750, अगर 750 से ज़्यादा अगर वोल्टेज जा रहा है तो MPS को यूज करेंगे और MPS को यूज करके वोल्टेज को कम करेंगे और वोल्टेज को कम करके जैसा भी आवश्यकता होगा MPS का 1, 2, 3 पोजीशन में आप डाल करके वोल्टेज को कम करेंगे और करंट को बढ़ाएंगे। ऐसा वोल्टेज को कम करके करंट को बढ़ाने से हमारा गाड़ी का स्पीड बढ़ जाएगा और हम आसानी से ग्रेडियंट या सेक्शनल स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं बिना कोई डिटेंशन के। तो ये दो ही चीज़ याद रखना है, वोल्टेज 750 से ज़्यादा जाने पे Q20 एनर्जाइज होगा, ऑटो डिग्रेशन होगा, साउंड आएगा, वजर आएगा। यदि आपका वोल्टेज 750 से जा रहा है तो आप MPS यूज करके कम कर लीजिए और ग्रेडियंट सेक्शन में 1000 यूज करके करंट आप आसानी से कैसे भी ग्रेडियंट को आसानी से आप के आगे आपको कोई भी करंट रेटिंग याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस यही दो मालूम रख करके आप गाड़ी को आसानी से चला सकते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।